चाणक्य नीति आठवां अध्याय। निकृष्ट लोग धन की कामना करते हैं, मध्यम लोग धन और यश दोनों चाहते हैं और उत्तम लोग केवल यश ही चाहते हैं, क्योंकि मान सम्मान सभी प्रकार के धनों में श्रेष्ठ है। इक, जल, दूध, मूल यानी कंद, पान, फल और दवा आदि का सेवन करके भी स्नान दान आदि क्रियाएं की जा सकती। जैसे दीपक का प्रकाश अंधकार को खा जाता है और कालिक को पैदा करता है, उसी तरह मनुष्य सदैव जैसा अन्न खाता है वैसे ही उसकी संतान होती है। हे बुद्धिमान पुरुष, धन गुणवानों को दे, अन्य को नहीं। देखो, समुद्र का जल मेघों के मुंह में जाकर सदैव मीठा हो जाता है और पृथ्वी के चर अचर जीवों को जीवन दान देकर कई करोड़ गुना होकर फिर से समुद्र में चला जाता है। तत्वदर्शी मुनियों ने कहा है कि हजारों चांडालों के बराबर एक यवन यानी मलच होता है। यवन से बढ़कर कोई नीच नहीं है। शरीर में तेल लगाने पर, चिता का धुआं लगने पर, स्त्री संभोग करने पर, बाल कटवाने पर मनुष्य तब तक चांडाल अर्थात अशुद्धि ही रहता है जब तक वह स्नान नहीं कर लेता। अपच होने पर पानी दवा है, पचने पर बल देने वाला है। भोजन के समय थोड़ा थोड़ा जल अमृत के समान है और भोजन के अंत में जहर के समान फल देता है। बिना क्रिया के ज्ञान व्यर्थ है। ज्ञानहीन मनुष्य मृतक के समान है। सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है और पति के बिना स्त्रियां पतित हो जाती हैं, अर्थात पति के बिना उनका जीवन व्यर्थ है। बुढ़ापे में स्त्री का मर जाना, बंदूक के हाथों में धन का चला जाना और दूसरे के आश्रय पर भोजन का प्राप्त होना, ये तीनों ही स्थितियां पुरुषों के लिए दुखदायी है। यज्ञ न करने वाले का वेद पढ़ना व्यर्थ है। बिना दान के यज्ञ करना व्यर्थ है। बिना भाव के सिद्धि नहीं होती, इसलिए भाव अर्थात प्रेम ही सब में प्रधान है। लकड़ी, पत्थर और धातु, सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि की बनी देव मूर्ति में देव भावना अर्थात देवता को साक्षात रूप से विद्यमान समझकर ही श्रद्धा सहित उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो मनुष्य जिस भाव से मूर्ति का पूजन करता है, श्री विष्णु नारायण की कृपा से उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। शांति के बराबर दूसरा तप नहीं है। संतों से बढ़कर कोई सुख नहीं है। लालच से बड़ा कोई रोग नहीं है और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्रोध यमराज की मूर्ति है। लालच वैतरणी नदी यानी नरक में बहने वाली नदी है। विद्या कामधेनु गाय है और संतोष इंद्र के नंदन वन जैसा सुख देने वाला है। गुण से रूप की शोभा होती है, शील से कुल की शोभा होती है, सिद्धि से विद्या की शोभा होती है और भोग से धन की शोभा होती है। गुणहीन व्यक्ति की सुंदरता व्यर्थ है। दुष्ट शोभा वाले व्यक्ति का कुल नष्ट होने योग्य है। यदि लक्ष्य की सिद्धि न हो तो विद्या व्यर्थ है। जिस धन का सदुपयोग न हो वह धन व्यर्थ है। पृथ्वी के भीतर का पानी शुद्ध होता है। पतिव्रता स्त्री पवित्र होती है। कल्याण करने वाला राजा पवित्र होता है और संतोषी ब्राह्मण पवित्र होता है। असंतोषी ब्राह्मण और संतोषी राजा जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। लज्जाशील वेश्या और निर्लज कुलीन स्त्री नष्ट हो जाती है। विद्या विहीन अर्थात मूर्ख व्यक्तियों के बड़े कुल के होने से क्या लाभ। विद्वान व्यक्ति का नीच कुल भी देव गुणों से सम्मान पाता है। संसार में विद्वान की ही प्रशंसा होती है। विद्वान व्यक्ति ही सभी जगह पूजे जाते हैं। विद्या से ही सब कुछ मिलता है। विद्या की सब जगह पूजा होती है। जो व्यक्ति मांस और मदिरा का सेवन करते हैं वे इस पृथ्वी पर बोझ हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति निरक्षर है वे भी पृथ्वी पर बोझ हैं। इस प्रकार के मनुष्य रूपी पशुओं के बाहर से यह पृथ्वी हमेशा पीड़ित और दबी रहती है। अन्नहीन यज्ञ राजा को, मंत्रहीन यज्ञ करने वाले ऋत्विजों को और दानहीन यज्ञ यजमानों को जलाता है। यज्ञ के बराबर कोई शत्रु नहीं है। रूप यौवन से संपन्न बड़े कुल में पैदा होते हुए भी विद्याहीन पुरुष बिना गंध के फूल पलाश के समान शोभा अर्थात आदर को प्राप्त नहीं होता। चाणक्य नीति का आठवां अध्याय समाप्त।